सोशल मीडिया पर आज एक बार फिर एक एड को बैन करने की डिमांड आ गई है। ये एड थर्मल वियर का है और इस एड में मनीष पॉल नजर आए हैं। मनीष पॉल को अब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने कश्मीरियों की बेइज्जती की है। एक्चुअली डॉलर थर्मल वियर का ये जो एड है, इसमें दिखाया गया है कि मनीष पॉल और उनकी वाइफ कश्मीर में घूमने गए हैं, वहां पर एक सेल्फी ले रहे होते हैं कि उसी दौरान सामने खड़ा एक लड़का दौड़कर आता है और उनका स्वेटर लेकर भागता है। मनीष पॉल भी उसके पीछे भागते हैं और आगे जाकर उनके दूसरे कपड़े भी खोलकर उस चोर को दे देते हैं और कहते हैं कि ये सब ले जा, क्योंकि मेरे पास डॉलर है तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, बाकी सब तू रख। डॉलर ने ये अपना ब्रांड तो प्रमोट कर दिया, लेकिन इस प्रमोशन से कश्मीरी नाराज हो गए। उनका कहना है कि कश्मीर में टूरिस्ट के खिलाफ जीरो क्राइम रेट है, हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, कभी भी ऐसा चोरी का इल्जाम यहाँ के गाइड्स पे और यहाँ के लोगों पर नहीं लगा है। ऐसे में इस एड में जो कुछ भी दिखाया गया है उससे कश्मीरियों की छवि को खराब किया गया है, इस एड को रोका जाए तुरंत प्रभाव से। एक यूजर लिखता है कि मनीष पॉल, या तो इस एड को हटाइए या फिर आप कश्मीर कभी मत आना, कश्मीर टूरिस्ट के लिए सबसे सेफ प्लेस है, आप कश्मीरियों को चोर दिखाकर उनका अपमान कर रहे हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा यूजर लिखता है कि मनीष पॉल, ये बहुत अपमानजनक है, ये कश्मीरियों के खिलाफ है, हम तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और आप हमें चोर रूप में दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, कश्मीर में टूरिस्ट के खिलाफ क्राइम रेट 0% है। एक और यूजर लिखता है कि मिस्टर पॉल, आप एंकर बहुत अच्छे हैं लेकिन तुम्हारा इस हद तक गिरना मंजूर नहीं, हम सालों से यहाँ बिना डॉलर के रह रहे हैं और वो भी 0% टूरिस्ट क्राइम रेट के साथ, हम चोर नहीं है, हम तो जरूरतमंदों को आश्रय देते हैं, उम्मीद है कि आप फैक्ट्स करेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मनीष पॉल का ये एड अब लोग बैन करने की डिमांड कर रहे हैं और कहा है कि इस एड के थ्रू कश्मीर की छवि को और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इन दिनों एड्स को लेकर भी यूजर्स काफी सतर्क हो गए हैं। इससे पहले तनिष्क के 2 एड्स रिमूव करवा दिए गए हैं, बिंगो मैड एंगल्स के एड पर भी सवाल उठाए गए थे लेकिन बिंगो ने एक स्मार्ट जवाब दे दिया कि एड तो हमने 2019 में ही शूट कर लिया था और अब डॉलर थर्मल वियर का ये जो एड है इसको रिमूव करने की डिमांड की जा रही है। इन दिनों लोगों में बॉलीवुड को लेकर बगावत का माहौल है, कुछ भी लोग ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सतर्क हो गए हैं। हाँ, अगर ये नॉर्मल टाइम्स होता और सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो शायद लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड की छवि खराब हुई है, जिसके पीछे बॉलीवुड का काफ़ी कुछ हाथ है कि उन्हीं के बीच का एक लड़का चला जाता है, पूरा बॉलीवुड कुछ बोलता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बॉलीवुड को लेकर सामने आई है जो वाकई में सोच में डाल देती है कि हम इनकी फिल्मों से अपनी लाइफ में चेंजेस कर देते हैं, हम यहाँ के सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन अगर इनकी असलियत ऐसी है तो फिर हमारे साथ तो धोखा ही हुआ। यही कारण है कि अब सीधे सीधे जो लोगों को बॉलीवुड की तरफ से या एंटरटेनमेंट मीडिया की तरफ से प्लेट में जो परोसा जा रहा है वो लोग इतना इजीली अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।